दोस्तों, तीन ऐसे प्रोजेक्ट आपको लोगों को बताने वाला हूँ जो आज आपके दिन आप उनको एग्जिट करने वाले हैं। एग्जिट मीन कि आप उन प्रोजेक्टों के बारे में नहीं सोच रहे हैं प्राइस को लेके या अदर चीज़ों को लेके। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ विद कैलकुलेशन के साथ मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जो ये एरिया देख रहे हैं, ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया आता है जहाँ तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास का ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा। ये हम कई बार भी बता चुके हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो अभी आप लोगों को उसका जो प्रॉफिट है वो नहीं दिखता है, आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है वो आप लोगों को दिखने वाला है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडी किया जाएगा वो मेजर डेवलपमेंट का पार्ट है। क्यों है, किस वजह से है, ये सारी चीज़ें मैं आपको विद एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ, बट आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तभी आप ये चीज़ें समझ पाएंगे और फिर आपको इस एरिया की वैल्यू का पता चलेगा कि आने वाले टाइम में इस एरिया की कितनी बड़ी वैल्यू होने वाली है। और तीन प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सेम रेट के ऊपर सेम ही प्रकार के यहाँ की प्रॉपर्टी ला रहे हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट है। वो डिफरेंट है तो क्यों है, बाकी एरिए की बजाय। आज हम ज़्यादातर ये भी सोचते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा रेट आ गए हैं, गुड़गांव एकदम जंप कर गया है, उसका रीज़न है, उसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आज हम बात करेंगे तीन इन डेवलपर के बारे में, मैक्स, करिश्मी और सिग्नेचर ग्लोबल के जो ट्विंग टावर आ रहे हैं दो, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हमें एक्सटेंशन रोड पे जाना चाहिए या एसपीआर रोड पे लेना चाहिए या द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर भी हो जाएंगे कि आपको किस टाइप का क्या सेगमेंट आपको लेना चाहिए। देखो, क्लियर करूँगा, समझाऊँगा तो वीडियो बड़ी बनेगी ही बने, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को ये चीज़ें बताना, तो भी मेरी वीडियो लंबी बनती ही है क्योंकि तभी मैं सारी चीज़ें क्लियर कर पाता हूँ। शॉर्ट वीडियो में बहुत कुछ ऐसा रह जाता है जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मास्टर प्लान पे चलते हैं और मास्टर प्लान के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ें है ना वो डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तभी हम आगे फ्यूचर के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये है गुड़गांव का मास्टर प्लान, और आप भी जानते हैं कि गुड़गांव की जब शुरुआत हुई थी तो कहाँ से हुई थी, कैसे सेक्टर बसाए गए थे, किस हिसाब से हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मास्टर प्लान की वीडियो देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट की। तो न्यू डेवलपमेंट अपना कहाँ से शुरू होता है, गोलकोर्स एक्सटेंशन रोड से। ये जो एक्सटेंशन रोड है ये चलता है वाटिका चौक, इसके ऊपर जो प्राइस आपके आते हैं वो तकरीबन आज आप मानते हो कि 20,000 से लेके तकरीबन 25-26,000 रुपये तक हो चुके हैं, क्योंकि ट्रम्प टावर भी इसी का एक पार्ट है। उसके बाद स्टार्ट हुआ आपका एसपीआर रोड और एनएचएट के बीच का ये हिस्सा, ये बहुत कम डेवलप किया गया था क्योंकि उससे पहले सिर्फ टूलिप या यूनिटेक की लैंड पार्सल यहाँ पे आती थी और इसके अंदर सारी जो डेवलपमेंट हुई टूलिप ने 69-70 के आसपास का जो एरिया है उसमें डेवलपमेंट लेके आए, बट कोई ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। एक हुई सिर्फ डीएलएफ की अल्मेडा की, तो यहाँ भी आज तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपये गज के रेट पहुँचे, बट ये हिस्सा अभी भी बाकी है क्योंकि यहाँ पे इसके बाद हम बात में करेंगे कि क्यों इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एक द्वारका एक्सप्रेसवे को लिंक किया गया द्वारका के और दिल्ली के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो रेट आज के टाइम यहाँ पे चल रहे हैं वो तकरीबन आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे 14,000 से लेके यहाँ पे 25,000 रुपये स्क्वायर फीट तक का रेट द्वारका एक्सप्रेसवे पहुँच चुका है। यानी अगर हम फ्रंट पे जाएंगे तो आपको महंगे रेट मिलेंगे और अंदर के सेक्टरों में चले जाएंगे तो थोड़े ही आपको सस्ते रेट देखने को मिलेंगे क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़े से दूर होते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही है। अगर मैं एसपीआर रोड के ऊपर बात करूँ, मैं ये सारे रेट न्यू लॉन्च के आपको बता रहा हूँ, जो न्यू लॉन्चेज अभी आपके आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे चलें तो यहाँ पे तकरीबन 12,000 से लेके, ठीक है, आपके 20,000 रुपये स्क्वायर फीट तक के रेट यहाँ पे आपको एसपीआर रोड पे देखने को मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि अभी सेक्टर 70 के अंदर टूलिप आया था, टूलिप के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें थी जिसमें 12,000 रुपये तक का प्राइस मिल जाता सेक्टर 70 में। और उसके बाद अगर मैं हाईएस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल टाइटेनियम है, अब यहाँ पे टाइटेनियम का 18,000 रुपये पे रेट हो रहा है और न्यू लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अदर डेवलपमेंट के जो रेट है वो भी आ रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट वर्ल्ड, ठीक है, 21,000 रुपये का रेट हो चुका है,
है ना, मैं करंट की बात कर रहा हूँ, पहले जिन्होंने UI दे चुके हैं वो एक अलग मैटर है। उसके बाद यहाँ पे ट्रम्प आ रहा है, ठीक है, उसका रेट भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे भी ये रेट हो चुके हैं SPR रोड के ऊपर, एक बेल्ट के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद अगर देखें आपका ये द्वारका एक्सप्रेस वे लमसम ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन ऐसे चलती हैं, तो जब साइबर सिटी बसाया गया तो ये आपका गोलकोस्ट रोड था, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रेट हुआ करते थे, ये रेट उछल के फिर एक्सटेंशन रोड के ऊपर आए, एक्सटेंशन रोड पे डेवलपमेंट बनने लगी तो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ ऑप्शन वो ओपन हो गए, तो इस वजह से धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो बदलती गई, और बदलने के साथ साथ ही चीज़ों में जो एप्रिसिएशन और जो डिमांड है वो बढ़ी। आज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, समझ लेते हैं कि सेक्टर 1 से लेके 115 सेक्टर तक, ठीक है, तो गुड़गांव में टोटल लैंड पार्सल कितना है, तो यहाँ पे जो लैंड पार्सल है 48,000 समथिंग यहाँ पे लैंड पार्सल आ जाता है एकर्स में, ठीक है, 48,000 एकड़ लैंड पार्सल सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 115 तक। यहाँ मैं सिर्फ सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सेक्टर से बाहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं सेक्टर 58 से लेके जो नई डेवलपमेंट है, क्योंकि पुरानी डेवलपमेंट तो हो चुकी है, वहाँ कोई न्यू लॉन्च आ नहीं रही, अगर मैं सेक्टर मेजर जो 58 है, 58 से लेके 115 सेक्टर तक की मैं डेवलपमेंट यानी एकड़ की कितना लैंड पार्क यहाँ पे आ जाएगा जी, तकरीबन 15,000 से लेके 18,000 तक आपका टोटल लैंड पार्सल आता है इन एकड़ के अंदर, यानी इतनी एकड़ ज़मीन यहाँ पे रहती। तो गुड़गांव में तीन मेजर रोड हो गए, गोल कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये तीन मेजर रोड हैं, और तीनों मेजर रोडों की अलग अलग कहानी, अलग अलग लैंड पार्सल, अलग अलग डेवलपमेंट प्लान है। तो मैंने ये जितना भी आपको बताया है जो एकड़ का है, ये आपके रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रोड्स, ये सारा लैंड पार्सल इसके अंदर आता है। तो ये टोटल अगर लैंड पार्सल की हम सेक्टर वाइज की भी अगर बात करें तो उसके अंदर अपना आ जाएगा। तो सेक्टर वाइज अगर मैं आपको ये भी चीज़ें समझाऊं तो सेक्टर 58 से सेक्टर 67 तक टोटल लैंड पार्सल तकरीबन 250 से लेके 3,000 एकड़ तक का लैंड पार्सल आपके सेक्टर 58 से 67 तक का आता है। अगर मैं सेक्टर 68 से लेके सेक्टर 80 तक की अगर मैं बात, तकरीबन 4,000 से लेके 5,000 लैंड पार्सल यानी एकर्स में अवेलेबल है, जिसमें NH-8 आपका आ जाता है, आपका SPR रोड यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे रेजिडेंशियल पार्ट आपका यहाँ पे आ जाता है, कमर्शियल आ जाता है, ओपन स्पेस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बेल्ट इसके अंदर आ जाती है। तो ये सारी लैंड पार्सल इसी लैंड पार्सल के अंदर डेवलप किया जाता है। इस एरिए के अंदर अगर 68 से 80 तक की जो कनेक्टिविटी है वो है SPR रोड की, सोहना रोड की और NH-8 की, प्लस द्वारका एक्सप्रेसवे की, ये कनेक्टिविटी इस सेक्टर के लिए कनेक्टिविटी यहाँ पे बनाई बनती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्टर 81 से लेके सेक्टर 115 तक का लैंड पार्सल तकरीबन आपको देखने को मिलेगा 16,000 से लेके 18,000 एकड़ तक का लैंड पार्सल आपको सेक्टर 81 से लेके 115 तक को देखने को मिलता है। ये तो थी चीज़ें आपको कि पर जो सेक्टर वाइज जो एरिया है, जो मेजर लैंड पार्सल, उसमें कितना लैंड पार्सल है, किस हिसाब से डेवलप किया जाना है, तो आपको यहाँ पता चल गया तकरीबन 48,000 से 49,000 लैंड पार्सल गुड़गांव के सेक्टर्स का अवेलेबल है, जिसके अंदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल और रोड्स, ये सारे जो कनेक्टिविटी है ये सारे इन मेजर रोड के अंदर अवेलेबल रहती है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि 2011 के अंदर पॉपुलेशन क्या थे, तकरीबन 15 लाख के आसपास, ठीक है, और 2021 के आसपास की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो तकरीबन यहाँ पे पहुँच जाती है 18 से 19 लाख, ठीक है, हो सकता है आंकड़े थोड़े से ऊपर नीचे हों, बट है इसी के आसपास की चीज़ें। और अगर मैं 10 साल और आगे की बात करूं,
ये आंकड़े निकल के आगे तकरीबन 43 लाख से लेके 45 लाख तक के ये आंकड़े आ रहे हैं आने वाले 2031 तक के। इसके अंदर क्यों? क्योंकि आपकी जो मान लीजिए इंडस्ट्रियल को बढ़ावा दिया जा रहा है 2031 के जो मास्टर प्लान है उसमें ज़्यादातर आपके आईटी को बढ़ावा है, उसके अंदर इंडस्ट्रियल को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि उससे पहले जितने भी सेक्टर थे उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बाहर से गुड़गांव के अंदर आ रही है, उसकी वजह से यहाँ पे रेजिडेंशियल में जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी कमर्शियल है, ठीक है, कमर्शियल एक एडवांस फीचर के हिसाब से यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, तो उसी हिसाब के लोग गुड़गांव के अंदर आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, तो आजकल इंडस्ट्रियल भी उस टाइप के इंडस्ट्रियल नहीं रहे जो हम पहले जैसे लेबर के तौर पे काम किया जाता था, तो इंडस्ट्रियल के अंदर भी आजकल आपने देखा होगा रोबोट सिस्टम आ रहे हैं, तो वो भी चीज़ें जल्द से जल्द यहाँ पे प्लान की जा रही हैं। 2031 की एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जिस एरिए के अंदर मैंने आपको ड्रोन सूट से चीज़ें बताई थी वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मेजर कमर्शियल एक्टिविटी होगी। अब आप ये भी कहते हो यार पता नहीं कब जाके वो बनाई जाएंगी, तो एकदम तो चीज़ें नहीं बनती है ना, जब बनेंगी तो चीज़ें वैसे ही बाहर हो जाएंगी। आज के दिन अगर मैं बात करूँ गुड़गांव के अंदर जो FSI है, ठीक है, FSI तकरीबन 70-75% सोल्ड आउट है। इसका मतलब ये है कि गुड़गांव के अंदर 70-75% डेवलपमेंट हो चुकी है, तो बची कितनी है 25% डेवलपमेंट अभी पेंडिंग है। यानी इसका मतलब ये है कि जो आप जो रेट देख रहे हो ना ये रेट बहुत ज़्यादा और जम करने हैं, क्योंकि लोग गुड़गांव के अंदर आते जा रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो ऑलरेडी इतने हो गए तो इनको खरीदेगा कौन? आज भी वो लोग हैं जो खरीदार हैं, बाहर की जो सिटी हैं उनमें भी देखेंगे, दूसरे स्टेट मुंबई वगैरह इस साइड में भी देखेंगे, तो वहाँ की चीज़ों में क्या यहाँ की चीज़ों में अंतर नहीं है क्या? यहाँ पे लोग प्रीमियम लोग नहीं आते हैं? जब चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी तो खरीदनी तो पड़ेगी ना, रहने के लिए मकान तो सबको चाहिएगा। आज अगर मैं एक्सटेंशन रोड के ऊपर बात करूँ तो ट्रम्प टावर तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये में लॉन्च हुआ था, बाकी जो प्रोजेक्ट थे वो 12-14 हज़ार रुपये बिकते थे, आज ये प्रोजेक्ट तकरीबन 20 हज़ार पहुँचे हैं, ट्रम्प टावर तकरीबन 30 हज़ार प्लस पहुँच गया है। तो क्या इसके अंदर रिसेल नहीं होती है? बिल्कुल होती है। किसी टाइम के अंदर क्रीसुमी 7800 रुपये बिका था फ्रेश में, बाकी जो प्रोजेक्ट थे वो तकरीबन 4000-6000 रुपये तक रिसेल होते थे, ठीक है, तो क्या ये नहीं खरीदा गया? आज क्रीसुमी 20,000 रुपये तक रिसेल होता है और बाकी जो प्रॉपर्टी रिसेल है वो 10,000-14,000 रुपये रिसेल होती है, तो क्या इसको नहीं खरीदते ले लोग? बिल्कुल खरीदते। ये चीज़ भी अगर 30 हुई तो भी खरीदेंगे, क्योंकि लोग बाहर से भी आ रहे हैं, लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, क्या वो वहीं पे नहीं खड़े हैं? लेकिन काश जब ये चीज़ हमने बेची थी ना क्रीसुमी की अगर मैं बात करूं तो लोगों का यही था जो जैसे कि आज है कि भाई इतना महंगा रेट कौन लेगा कौन खरीदेगा, क्योंकि 2018-19 में रेट इतने नहीं हुआ करते थे। उस टाइम का जो वो वाला जो एरिया था न्यू गुड़गांव का तो वहाँ पर जो रेट बहुत सस्ते हुआ करते थे, बट लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि टोल और कनेक्टिविटी नहीं थी। जो क्रीसुमी है जिसके सामने CPR है द्वारका एक्सप्रेस वे वो नहीं हुआ करता था इतना मेजर, तो लोगों को नहीं पता था कि ये चीज़ें ऐसे बन के भी उभरेंगी, क्योंकि सिर्फ एक सामने खड़ा दिखता था टोल, और या फिर लोग जाते थे जहाँ पे DL परिवाना लॉन्च किया है उस रोड से, क्योंकि उस रोड से कनेक्टिविटी थी, इन लोगों को नहीं पता था। तो आज जहाँ पे जाते हैं तो रेट तो बढ़ेंगे, साथ में अगर डेवलपमेंट का आप इंजॉय लेना चाहते हैं, ट्रैफिक बढ़ता है, मेजर रोड की कनेक्टिविटी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, तो रेट तो बढ़ेंगे भाई, उतने नहीं रहेंगे। लेकिन हो सकता है शायद कल ये और अगर बढ़े तो आपका जो बजट है वो गड़बड़ाएगा। इसलिए तीन ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आज आप चौके पे चौका मार लीजिए। एक है क्रीसुमी, ठीक है, क्रीसुमी है जिसके अंदर आपको 2LDK से लेके 3LDK प्लस पेंथ हाउस, ठीक है, और स्टूडियो में आपको 1LDK प्लस 1LDK दो वॉशरूम के साथ मिलता है, ठीक है।
ये हो गया, इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप आज आपको ये महंगे महंगे इसलिए लगेंगे क्योंकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो डेवलप हो गया है वहाँ का, और अभी और होना है। आप आज वहाँ गाड़ी को ड्राइव करके देखो कि क्या इस टाइप का रोड आपको कहीं और नज़र आता है, तो उसका लैंड पार्सल, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो डेवलपर तो फिर चार्ज करेगा ना, क्योंकि उसने खरीद रखी है। उसके बाद आपका को देखने को मिलेगा मैक्स। मैक्स भी वहाँ पे क्रीसुमी के जस्ट बगल में है, क्योंकि मैक्स के पास तकरीबन 26 एकड़ लैंड पार्सल अभी पेंडिंग है, जिसके अंदर से वो 12 एकड़ जो लैंड पार्सल है वो लॉन्च कर चुका है, तो तकरीबन 14 एकड़ के आसपास और लैंड पार्सल बचा है, जिसके अंदर आपको 25 से 30 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से भी लोन्स देखने को मिले। उसके बाद मैं थर्ड आपको डेवलपर का नाम बता रहा हूँ, सिग्नेचर ग्लोबल 84 वाला, जो कि बिल्कुल आपके मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर है। तो सबसे जो बढ़िया जो एंट्री आपकी जो देखने को मिलती है तो वो सिग्नेचर ग्लोबल की है, ठीक है। मैक्स की द्वारका एक्सप्रेस वे, क्रीसुमी भी इन दोनों की सर्विस लाइन से एंट्री है, इसकी भी है, लेकिन ये पड़ता है बिल्कुल यूटिलिटी के ऊपर, क्योंकि इसके बगल में कमर्शियल ऑलरेडी आज के दिन एक्टिव है, इनके बगल में कमर्शियल अभी एक्टिव नहीं है। अगर लोग वहाँ रहेंगे तो इसके पास आना पड़ेगा, तो इसके चांस ज़्यादा लगते हैं आगे रिसेल वैल्यू और बढ़ने में, क्योंकि अगर आज इस प्रोजेक्ट के अगर पोटेंशियल देखेंगे तो इसमें पेमेंट प्लान सबसे अच्छा है 75% का। ये लिस्ट प्लेयर है, ठीक है, ये भी सारे लिस्टेड है, अच्छे डेवलपर हैं, अच्छे काम करते हैं, बट सिग्नेचर ग्लोबल को मैं आज इसलिए थोड़ा सा प्लस मानता हूं, क्योंकि ये जो डेवलपर है ये एक साथ इतने प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो इसका मतलब इसके पास पैसा तो अच्छा खासा है, लिस्टेड भी है, क्योंकि आपके शेयर से भी पैसा आता है, फंड भी अच्छा होता है, एक साथ टाउनशिप भी लॉन्च कर सकता है। इस टाइम इसके पास कई ऐसे टाउनशिप चल रहे हैं जिसमें फ्लोर भी आए, सिग्नेचर ग्लोबल के सोना के अंदर फ्लोर एक टाउनशिप का रूप है, SPR रोड के ऊपर एक टाउनशिप का रूप है, सिद्रावली के अंदर प्लॉट आए उसमें भी एक टाउनशिप का रूप आया, ऐसे ही कई और मेजर प्लानिंग इसके देखने को मिलेंगे। जैसे सिग्नेचर ग्लोबल 71 SPR रोड के ऊपर भी आप प्लान कर लीजिए, अगर आपका बजट है, आज रेट मिल जाता है जी 15,999 4.5 BHK में, रेट हो रहा है जी जल्द यहाँ पे 17,000 रुपये का 15 अक्टूबर को, ठीक है, क्योंकि ये एरिया बहुत जंप करने वाला है, क्योंकि ये छोटा सा पैच अभी बचा हुआ है। अगर मैं बात करूं सिग्नेचर ग्लोबल 84 ट्विन टावर आ रहे हैं, सिर्फ दो ही टावर हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो रेट का अगर मैं बात करूं तो 21,000 रुपये का रेट है, ठीक है जी, प्लस GST आता है और प्लस PLC आता है, बाकी सब कुछ ऐड है इसमें है, 3 BHK से लेके आपका 4.5 BHK का। एलिवेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, एलिवेशन आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, एलिवेशन है, साइज़ बहुत अच्छे हैं, 2600 स्क्वायर फीट से लेके 3750 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे आपको साइज़ देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके अंदर जो बैल्कनी है, बैल्कनी प्रॉपर रनिंग बैल्कनी है, जिससे पूरा आपका जो सामने वाला जो व्यू है, जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे 80 सेक्टर का या मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का, ये पूरा व्यू आपको देखने को मिलता है, यहाँ से डायरेक्ट आपको ग्लोबल सिटी का व्यू आपको मिलता है, मैक्स आपका व्यू आता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो एलिवेशन है प्रोडक्ट का वो काफ़ी अच्छा, और उससे ऊपर है आपका जो पेमेंट प्लान है वो सबसे अच्छा है 25 और 75 का, यानी 25 के बाद आपको 75% पोजिशन के टाइम, यानी 70% आपका पार्ट जाना है वो OC पे और 5% जाना है आपका पोजीशन के ऊपर। तो लिस्टी डेवलपर है, अच्छा बैंक लोन होता है, आप ट्राई कर सकते हैं, लोकेशन बहुत ही अच्छी है, तो इसके ऊपर आप प्लान कर। तो दोस्तों या तो क्रीसुमी, मैक्स या सिग्नेचर ग्लोबल, इन तीन प्रोजेक्टों में से आप आज की सिलेक्शन है वो बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बट हो सकता है ये दोबारा चीज़ें आपको देखने को ना मिले, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर आप जानते हैं कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे गुड़गांव के अंदर लैंड में डिमांड है, रेजिडेंशियल में भी डिमांड है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, हो सकता है कुछ टाइम के लिए रुक सकता है मामला, लेकिन कम नहीं हो सकता, फिर से चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। लोग कहते रहते हैं कि क्रैश हो रही है, क्रैश हो रही है, बेसिकली क्रैश नहीं होती है कभी भी मार्केट, बट क्या है कि बायर्स का फॉलोअप थोड़ा सा
डाइवर्ट हो जाता है चीज़ों को लेके कि भाई चलो अब ये नहीं, अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम होता है, कुछ ऐसे प्लान निकाले जाते हैं जिसके अंदर, जैसे EY का कोई प्लानिंग नहीं थी पहले, डायरेक्टली यूनिट खरीदते थे तो EY के बारे में नहीं जानते थे, फिर एक EY का सिस्टम आया जिसके अंदर थोड़ा रेट अलग था, फिर लॉन्च पे रेट आपको अलग दिया जाता है, RERA गाइडलाइन आई उसके अंदर, उसके बाद हो सकता है अब कुछ अलग तरीके की चीज़ें आ जाए, जैसे कि पेमेंट प्लान को लेके भी पेमेंट प्लान बदल गए थे, है ना, पहले 30, 40, 30 के पेमेंट प्लान आते थे कुछ इस तरीके के, तो अब जैसे 25, 75, 24, 76 इस तरीके के पेमेंट प्लान आपको देखने को मिल सकते हैं, बट कुछ नया आएगा तो समझ लो रेट भी आपको हैवी देखने को मिलेगा अगर पेमेंट प्लान आपके ईजी होंगे तो। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हम फेस टू फेस बैठ के डिस्कस भी कर सकते हैं, बट ये जो प्लानिंग है ये बहुत अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर, और भी चीज़ें हैं जो बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू दोस्तों।